Hey guys, my name is Viren Singh. Welcome to the e-learning platform. नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल में. सो चलिए, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ. आपको ABCD याद है? शायद आप कहेंगे हाँ. कोई भी ऐसा नहीं कहेगा जिसको ABCD याद नहीं होगा. क्यों, ABCD कैसे याद होगी? कब पढ़ी थी ABCD? बचपन में. अभी भी याद है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTWXYZ? हो गया 26 अल्फाबेट. सबको याद होगा, एक का पहाड़ा, सबको याद होगा. सो प्रॉब्लम क्या होता है ना कि क्यों याद है, इसके पीछे एक वजह है, रिकॉलिंग. रिवीजन एंड रिकॉलिंग इज कंप्लीटली डिफरेंट. आजकल सिर्फ लोग रिवीजन करते हैं. रिवीजन इज अ पार्ट ऑफ चीटिंग. जब आप रिवीजन कर रहे होते हो, कॉपी से देख के कर रहे होते हो, और जब भी आप कॉपी को देख के कर रहे होते हो, आपका दिमाग का यूज होता ही नहीं है, दिमाग पे प्रेशर पड़ता ही नहीं है. आप तो देख रहे हो ना, आप तो उसमें रिवीजन क्या हुआ, वो तो उसको आप फास्ट स्टडी बोल सकते हो. रिवीजन इज समथिंग लाइक दैट फास्ट स्टडी. एंड फास्ट स्टडी एंड रिकॉलिंग इज डिफरेंट. रिकॉल करने का मतलब होता है कि आप बिना कुछ देखे उस चीज को रिकॉल कर रहे हो अपने ब्रेन से. रिवीजन का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन को इनपुट करना, और रिकॉलिंग का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना, बाहर निकालना अपने दिमाग से. एंड एग्जामिनेशन हॉल में आपको रिवीजन की नहीं, रिकॉलिंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि वहां पे दिमाग में से नॉलेज को बाहर निकाल के अप्लाई करना होता है. जहां पे मैक्सिमम स्टूडेंट लैग करते हैं, और कोई भी आपको ये नहीं बताता कि रिवीजन नहीं, रिकॉलिंग करना चाहिए. रिकॉलिंग टर्म कई लोगों के लिए नया होगा. जो वीडियो इस अंत तक देखेगा उसको खुद समझ में आ जाएगा. बचपन में हमें जब भी हम जाते थे, कोई भी रिलेटिव आता था, कहता था बेटा दो का पहाड़ा सुनाओ, ABCD सुनाओ, और आपको देख के नहीं बोलता था, कहता था मुंह जवानी सुनाओ, याद करो और मुंह जवानी सुनाओ. वो याद क्या होता था, हम कैसे याद करते थे? हम एक एक एक, एक कम दो, एक दूनी दो, ऐसे याद करते थे बिना देखे. वो जो रिमेम्बरिंग होता है उसको कई लोग रट्टा मारना कहते हैं. रट्टा मारना होता है बिना सोच समझ के रट्टा मारना, ठीक है. रिकॉलिंग करना, अगर बिना सोचे समझे सब कुछ A to Z याद हो गए, बिना किसी कॉन्सेप्ट, बिना किसी लॉजिक के, दैट इज द रट्टा मारना. रिकॉलिंग इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम रट्टा मारना. क्या है ये चीज, कि पहले आप समझ चुके हो सारी चीजों को, और उसको एक्चुअल में उस इंफॉर्मेशन को रिकॉल कर रहे हो जो आपने गैदर किया अपने ब्रेन में. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा. मॉलिकुलर बायोलॉजी कई लोग पढ़े होंगे. रिकॉलिंग कैन सेव योर टाइम, कैन सेव योर एनर्जी, कैन लाइक एफिशियंट योर ब्रेन वर्किंग पावर, कैन मेक योर प्रिपरेशन वेरी वेरी एफिशियंट. कैसे? जब आप रिकॉलिंग कर, जब आप रिविजन करते हो, तो आपको कॉपी चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए कि नहीं, मुझे कॉपी भी चाहिए, मुझे ये करना है. बट फॉर द रिकॉलिंग आपको कॉपी पेन किसी की जरूरत नहीं. आप वॉक करते करते रिकॉल कर लो, कुकिंग करते करते रिकॉल कर लो, आप ट्रेवलिंग करते करते रिकॉल कर लो, नहाते नहाते रिकॉल कर लो. लिटरली मैं बता रहा हूँ, मैं अपने प्रिपरेशन टाइम में सबसे ज़्यादा रिकॉलिंग नहाते टाइम करता था. ब्रेन बड़ा शांत होता था और आराम से रिकॉल कर लेता था. दिन भर का पढ़ा मैं उस 15 मिनट के बाद में रिकॉल कर लेता था. बड़ा मजा आता था मुझे, और मेरा पूरा 15 मिनट में काम भी हो जाता था, नहा भी लिया, रिकॉलिंग भी हो गई. मे भी कई लोग ये चीज़ करते होंगे, कई लोग नहीं भी करते होंगे. यू कैन ट्राई इट ऑल्सो, कहीं पर कभी भी कब कर सकते हो. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, रिप्लीकेशन आपने पढ़ी है. रिप्लीकेशन में एक छोटा सा चीज होता है, जैसे अगर मैं बात करता हूँ तो ध्यान देने की कोशिश करिएगा. प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को कंपैरेटिव कैसे रिकॉल कर सकते हैं, कि मैं ये बोल सकता हूँ आपने ये चीज वही कर पाएंगे जो पढ़े होंगे, वो नहीं कर पाएंगे जो पढ़े नहीं होंगे. ये ऐसी चीज नहीं है, इसके लिए पहले पढ़ना है और समझना है. यू हैव टू स्टडी फर्स्ट, देन यू हैव टू डू द रिकॉलिंग. रिकॉलिंग जैसे रिप्लिकेशन में अगर हम बात करें, तो प्रोकैरियोटिक जो हो जाता है वो आपका मोनो रिप्लिकॉनिक होता है, जबकि यूकैरियोटिक मल्टी रिप्लिकॉनिक हो जाता है. प्रोकैरियोट में ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होता है, यूकैरियोटिक में ARS सीक्वेंसेस होते हैं. प्रोकैरियोटिक में ओरिजिन ऑफ रिकॉग्निशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए जो होते हैं DNA C जो होता है वहाँ पे आता है, हेलिकेज लूडर का काम करता है. और DNA A जो होता है वो आपके बाइंड कर रहे होते हैं 9 मर पे, और 13 मर से वहाँ पे मेल्टिंग स्टार्ट हो रही होती है. जबकि आपके ARS में A
B1, B2, B3 डोमेन्स होते हैं जहाँ पे के बाइंड करता है बेसिकली आपका ORC कॉम्प्लेक्स, ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स। इसके बाद हेलिकेज लोडर DNSC आता है प्रोकैरियोट में, जबकि हेलिकेज लोडर का काम CDC6 एंड CDT1 करते हैं यूकैरियोट में। एक्चुअल हेलिकेज का काम प्रोकैरियोट में DNAB करता है, जबकि यूकैरियोट में जो करता है वो करता है MCM हेलिकेज। हेलिकेज के बाद सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन प्रोकैरियोट में सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन के ही नाम से जाना जाता है, SSP प्रोटीन, जबकि प्रो यूकैरियोट में ये रिप्लिकेशन प्रोटीन ए के नाम से जाना जाता है। SSP प्रोटीन के बाद टोपो आइसोमरेज का जो टाइप होता है प्रोकैरियोट में वो होता है आपका गायरेज ए एंड गायरेज बी, दैट इज अ काइंड ऑफ टोपो आइसोमरेज 2। बट यूकैरियोट में जो होता है ये 1B होता है, 2B होता है, दोनों टाइप के टोपो आइसोमरेज जो होते हैं पाए जाते हैं। मेन रिप्लिकेटिंग एंजाइम प्रोकैरियोट में जो पाया जाता है वो रिप्लिकेशन DNA पॉलीमरेज 3rd होता है, और यूकैरियोट में जो पाया जाता है वो DNA पॉलीमरेज एप्सिलॉन एंड डेल्टा होते हैं। प्राइमर का फॉर्मेशन जो कि प्रोकैरियोट में करता है वो DNAG करता है, जबकि यूकैरियोट में जो करता है वो करता है DNA पॉलीमरेज अल्फा, और इसके साथ साथ आपके DNA पॉलीमरेज अल्फा के साथ साथ आप प्राइमेज भी यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, प्राइमेज जिसको बोलते हैं वो एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। तो दिस इज अ स्मॉल कंपेरिजन ऑफ द प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। मैंने इसके लिए किसी बुक की जरूरत नहीं पड़ी, और ये मैं कहीं पे कभी भी बोल सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ विदाउट एनी कन्फ्यूजन, बिकॉज मैंने ये चीज़ रिकॉल करी है। और रिकॉलिंग एक बार में परफेक्ट नहीं होगी। कई लोग सोचते हैं कि वो रातों रात रिकॉल करने लगेंगे, वो सारा चीज़ एक बार पढ़ा एक बार में रिकॉल हो जाएगा। नो, यू हैव टू गिव द टाइम। आप शुरू शुरू में आपको समय ज़्यादा लग सकता है, शुरू शुरू में जो है आपको एफर्ट पुट करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक बार 10 पेज पढ़ते हैं और 10 पेज को रिकॉल करेंगे तो पूरा पूरा इन्फॉर्मेशन रिकॉल नहीं होगा। ठीक है, अगर एक बार में आप 10 पेज पढ़ते हैं तो पूरा का पूरा 10 पेज जो है आपका रिकॉल नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ जो है कि अगर आप उसको धीरे धीरे करते हैं, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करिए अपने डेली रूटीन में, डेली जितना पढ़ते हैं ना उसको रिकॉल करिए, जो भी आप पढ़ रहे हैं या जितना भी पढ़े हैं रिकॉलिंग का टाइम बढ़ाते चले जाइए। जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आ रहा है रिकॉलिंग टाइम बढ़ाइए, इट विल डेफिनेटली ब्लास्ट योर एग्जामिनेशन। ट्राई करके देखो, सिर्फ एक हफ्ते ट्राई करके देखो रिकॉलिंग, जो कुछ पढ़ा है उसको रिकॉल करो, एक हफ्ता कुछ मत पढ़ो, खाली रिकॉल कर लो, उसके बाद अपना कॉन्फिडेंस देखना कितना खतरनाक हो जाएगा, उसके बाद एक बार क्वेश्चन ट्राई करके देखना फिर कितना खतरनाक हो जाएगा। जस्ट ट्राई इट वंस, और उसके बाद ना इफेक्ट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि सर इफेक्ट नहीं है, और इफेक्ट हो तो भी कमेंट बॉक्स में बताना कि वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इट इज़ अ रियलिस्टिक डिफरेंस बिटवीन रिविजन एंड रिकॉलिंग। ट्राई इट नाउ एंड एक हफ्ते बाद मुझे बताओ इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट। और मैं जानना चाहता हूँ जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है आफ्टर 1 वीक की रिकॉलिंग आपके लिए कहते हैं कि एक मास्टर ब्लास्टर स्ट्रोक है या नहीं है। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मैं हूँ एंजाइम तो आप है सबस्ट्रेट, मैं हूँ एंजाइम तो आप है सबस्ट्रेट, CSIR को पाने में अपना होगा लेट। एक्टिवेशन एनर्जी कम करके कर दूंगा मैं एक्टिवेट, प्रोडक्ट बनके आप सपने लेना लपेट। मैं पढ़ाऊंगा सारे यूनिट स्मार्टली और इफिशियंटली, जिससे आप क्रैक कर पाएंगे CSIR 2021 को क्विकली एंड कॉन्फिडेंटली। मेरे कोर्सेज शुरू हो रहे हैं अनअकैडमी प्लस से 7 दिसंबर में, और पाइए हर महीने 2 नए कोर्सेज सिर्फ और सिर्फ अनअकैडमी प्लस पे। जुड़िए हमारे साथ अनअकैडमी प्लस पे और पाइए अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, ऑर्गेनाइज्ड नोट्स, रिकॉर्डिंग्स, डाउट सेशंस, स्मार्ट कोड्स एंड एनालॉजीज का पावर बूस्टर सिर्फ और सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन में। तो अनअकैडमी प्लस सब्सक्राइब करना ना भूले, इंस्टॉल करिए लर्निंग ऐप एंड जुड़ जाइए मेरे साथ, और मेरे प्रोफाइल पे जाके सारे इन्फॉर्मेशन को देख लीजिए। यूज करिए रेफरल कोड विरेन और विरेन लाइव टू गेट द 10% डिस्काउंट। चलिए मिलके करते हैं आपके सपने को पूरा सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में। जुड़िए हमारे साथ अनअकैडमी प्लस पे, लेट्स क्रैक इट।